हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम के यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मेरी टिप्स है वो है इस अचार के कंटेनर्स के लिए, जिन्हें हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। अचार के कंटेनर्स को जिनमें हम डेली अचार रखते हैं, तो इसको ये क्या होता है, खाली होने के बाद हम फिर से इसे रिफ़िल कर देते हैं और इससे क्या होता है कि जो अचार का टेस्ट है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है और ये अच्छे से डब्बे वाइप भी क्लीन भी नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आपके अचार खाली होने लगे लास्ट में, आप क्या कीजिए कि जो भी कुछ बचे कुचे अचार हैं उन्हें आप एक दूसरे कंटेनर या बॉक्स में निकाल लीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, सारे कंटेनर्स से जितने भी बचे कुछ अचार थे उन सबको मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। एक मेरे पास ये मिठाई का बॉक्स था, इसमें मैंने निकाल लिया है इसे। इसे मैं किसी दूसरी जगह पे यूज़ कर लूँगी। और इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे मैंने अपने किचन में एक पुराना रजिस्टर जो बच्चों के रफ के लिए यूज़ होते हैं ना, वो टिप मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, वो मैं रखती हूँ और इसके पेपर्स का मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ किचन में अपने। तो जितने भी डब्बे हैं उनमें तेल लगा रहता है अचार का है, तो इन पेपर्स को इसमें डाल करके आप स्पून वगैरह से इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। हाथ भी लगा कर क्लीन कर सकते हैं, बट हाथ थोड़ा गंदा हो जाता है, तो इससे बचने के लिए आप स्पून से भी इसे क्लीन इस तरीके से कर सकते हैं। तो जितने भी एक्सेस ऑयल हैं, मसाले हैं अचार के, वो सब इन पेपर्स से क्लीन हो जाएंगे और इसके बाद आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो क्या होता है कि ज़्यादा चिकनाहट नहीं होगा और ये इजीली क्लीन हो जाएगा। तो एक बार आपको इसे, एक बार नहीं, इसे आपको दो बार क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ये अचार के और तेल के कंटेनर है ना, तो इसमें चिकनाहट कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो हमें इसे क्या करना चाहिए कि हमें इसे दो बार क्लीन कर लेना चाहिए। और अगर आप शीशे के जार में रख रहे हैं तो हल्का गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। और इसे सुखाने के लिए भी जालीदार मैंने एक बर्तन लिया है, जिसकी वजह से जो एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा, आराम से सूख जाएगा। और हाँ, अचार को रखने का एक बहुत ही अच्छा टिप ये है कि जिस किसी भी चीज़ में आप उसे रख रहे हैं ना, वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, आपके हाथ में पानी नहीं लगा रहना चाहिए और जो आपका ये जार है वो भी पूरा क्लीन रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने जिस पलटे का यूज़ किया है वो भी पूरी तरीके से ड्राई मैंने कर लिया था। तो सबसे पहले डब्बे में मैं थोड़ा सा तेल डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि इस बॉटल पे पूरी तरीके से तेल कवर हो जाए, और इसके बाद मैं इसमें अचार फिल कर दूँगी। ये मिर्ची का अचार है और इसे मैं इस वाले जार में फिल कर दिया है मैंने, और एक छोटा स्पून मैंने यहाँ पे रख दिया है। दूसरे वाले कंटेनर में मैंने कटहल का अचार रखा है और इसमें, और तीसरे वाले में मैंने आमड़ा का अचार रखा है। अचार की रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो पेपर मैंने नीचे लगाया हुआ था उसे भी मैं हटा लूँगी। जब भी आप ऑयल से रिलेटेड वाले काम करते हैं तो पेपर ज़रूर नीचे लगा लें। इसके बाद इसे अच्छे से डेकोरेट करके एक ट्रे में, वुडन ट्रे में मैंने रख दिया है। ट्रे गंदा ना हो इसके लिए मैंने एक पेपर लगा दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर पानी से इस तरीके का धार आने लगता है, क्योंकि हमारे जो टैब हैं वो काफ़ी, अगर उनमें जाली लगी रहती है तो वो गंदे हो जाते हैं। टाइम टाइम पे हमें इन्हें क्लीन कर लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसे आराम से निकाल लूँगी, और निकालने के बाद यहाँ पे देखिए आप कितने सारे इसके अंदर डस्ट जमा हो गए हैं। तो इन्हें मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी पहले रनिंग वाटर में ही। तो इस तरीके से टैप पे जाली एक लगी रहती है, जिससे कि जो भी गंदगी होती है वो सब वहीं पे रोक लेता है। तो टाइम टाइम पे हमें इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक वॉशर भी लगा हुआ है, तो वॉशर को मैंने निकाल दिया है और इसे मैं अच्छे से रनिंग वाटर में ही क्लीन कर लूँगी। एक पुराना ब्रश का यूज़ करूँगी मैं इसको क्लीन करने के लिए। कोई भी अलग से सोप या साबुन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे रनिंग वाटर में इजीली आप इसे क्लीन कर सकते हैं। और फिर इसे दोबारा से फिक्स कर दीजिए, जो वॉशर है उसे फिर से लगा दीजिए और टैब में इसे फिक्स कर दीजिए। तो आपका जो पानी का फोर्स है वो बहुत अच्छा आने लगेगा। जब भी आप इसे खोले तो इसके अंदर भी थोड़ा सा ब्रश से क्लीनिंग कर दें, तो पानी का फोर्स भी इससे ठीक हो जाएगा। और कभी भी आप हाथ वगैरह धोने के लिए जब नल खोलेंगे तो आपके कपड़े वगैरह भीगे कि नहीं फोर्स की वजह से। और अगर ये नहीं लगा हुआ है तो आप कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं अपने,
पानी के फोर्स को मैनेज करने के लिए, और इससे पानी भी क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट जो टिप है वो देखिए, इस तरीके से हम हमारे स्लैब पे किचन काउंटर टॉप पे कोई जगह मतलब फ्री रहती है तो हम सोचते हैं वहाँ पे कुछ रख दे, ट्रे वगैरह रख दे इस तरीके से खड़ा करके, पर वो बहुत ज़्यादा स्लिप होता है और फिर हम सोचते हैं चलो इसे कहीं और रख देते हैं, पर कोई नहीं, आप जहाँ सोची हैं वहाँ पे आप इजली इसे रख सकती हैं। इसके लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक यूज़ करना है कोई भी इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र ले लीजिए, या फिर आपके पास इस तरीके का कोई लंबे में कोई बास्केट हो तो वो भी आप ले सकते हैं, और जितने भी ट्रे या चॉपिंग बोर्ड आप रखना चाहें आराम से आप इसमें रख सकते हैं। मेरे चॉपिंग बोर्ड में यहाँ पे हैंग करने के लिए दिया हुआ है तो मैं हैंग करके रख दूँगी, ट्रे मैं सारे इसमें रख देती हूँ, और क्लीनिंग में भी देखिए कितनी आसानी होती है, आराम से इस ऑर्गेनाइज़र के साथ ही आप इसे हटा कर क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक्स के इस तरीके के बॉटल्स जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं टाइम टाइम पे। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक्स ना बड़ों को पीना चाहिए ना बच्चों को, क्योंकि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, पर कभी कभार इकट्ठा हो जाते हैं, पार्टी वगैरह कुछ होता है तो घर में, या फिर गेस्ट वगैरह आते हैं तो देखिए उसका एक यूज़ मैं आपको बता रही हूँ। ऊपर से हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे कैप के साथ में ही, और ये हमारा इसको भी हम यूज़ करेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा कीप तैयार हो गया है। बॉटल्स में ऑयल वगैरह रिफ़िल करना होता है तो हमें कीप की फ़नल की ज़रूरत होती है, तो वो आप घर पे ही बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए जो ऑयल है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिरता है, आराम से आपका बॉटल फिल हो जाता है। इसके बाद आप पैकेट को इसी के ऊपर इस तरीके से लगा करके रख दे, जितना भी ऑयल है एक एक बूंद करके इसमें आ जाएगा आराम से, और उसके बाद आप उसे हटा दीजिए और एक कपड़े से उसे अच्छी तरीके से वाइप कर लीजिए, और वाइप करने के बाद उसमें कैप लगा करके उसे कहीं भी आप अपने किचन में स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने भी इसे क्लीन कर लिया था और इसके बाद मैं इसमें कैप लगा के इसे रख दूँगी अपने किचन में। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें भी आप नाइफ़ को गरम करके इसमें नीचे की तरफ कुछ होल हमें कर लेने हैं, और इसके बाद इसे रखना है अपने सिंक एरिया के पास, और जब भी आप स्पून वगैरह वॉश करती हैं तो आप इसमें रखती जाएं, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा पानी इसमें से निकल जाएगा। उसके बाद आप अपने स्पूंस को कटलरी स्टैंड में आराम से रख सकती हैं। तो देखिए सारा पानी इसमें से निकल आएगा और आपका स्पून जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद आप इसे कटलरी स्टैंड में आराम से रख दीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये सारी टिप्स पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे पास एक ये बॉटल है मेरी बेटी का, तो ये जो है इसका कैप जो ख़राब हो चुका था तो ये किसी यूज़ का नहीं था, तो मैं इसमें चॉपस्टिक है मेरे पास कुछ, या आप अपने स्कीवर्स वगैरह हैं तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं, नाइफ वगैरह है तो वो भी रख सकते हैं, आप चाहें तो कैप लगा कर रखें या फिर कैप हटा भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बॉटल था, अंदर से पूरा स्टील का था, तो मैं सोची मैं इसको फेंकूँगी नहीं, इसका मैं यूज़ कर लूँगी। आप चाहें तो इसे डेकोरेट वगैरह भी कर सकते हैं, पर मैं इसे ऐसे ही यूज़ करती हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।